फ्रेंड ग्रेवी बढ़िया से पक गया है, अभी इसमें मैं टिक्किया डाल देती हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि हमारा नाम ले देना, तो पहला नाम है। अच्छा, मेरी मम्मी ठीक कह रही थी कि 2-3 दिन बाद अचार पानी छोड़ेगा, है ना? तुम्हारी मम्मी कह रही दुनिया को पता हो क्या अचार पानी छोड़ा तो है। ये देखो, थोड़े पैसा वगैरह रह जाए तो अपना कुछ ठेला वगैरह खोल लेंगे खाने पीने को, तो सब रुपया हमारा चला हो भाई में जो हमने बनाओ, और भाव पे उड़िया भी ना मिलो हमें। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। देखो फ्रेंड, हम तो सुबह सुबह नहा चुके और सौरभ गए हुए अभी नहाने के लिए। आज पहाड़न को मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा और डेली बारिश हो रही है, लेकिन आज बारिश ना हुई है। सकते अभी भी बादल लगे हुए हैं, कितना प्यारा मौसम है फ्रेंड। धूप भी ज्यादा महसूस ना होती, खूब धूप निकलती है यूपी की तरह, लेकिन ये इतने अच्छे मौसम में धूप महसूस ही ना होती। सवेरे सवेरे उठ के पूरे घर की साफ सफाई करी हती, धोआ धाई करी, बाकी बाद हम नहाए के आए। अबे सौरभ गए नहावे। ये देखिए सौरभ भी नहा के आ चुके हैं। और बताइए खाने में क्या खाएंगे आज? खाने में यार क्या बनाए है? पता है जब भी खाने में कुछ बनाना होता है तो पता क्या बनता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, चावल चावल चावल। जब से हम उससे पहले भी अलीगढ़ में चावली चावल बना बना के खा रहे थे, यहाँ तो बस 3 दिन में एक बार खाना, एक बार रोटी बनाई है ना। कैंपिंग में खाना बनाया था हमने। जब भी मैं इनसे पूछती हूँ क्या खाओगे, चावल चावल चावल। बहुत दिन से चावली चावल खा रहे हैं तो आज कुछ अच्छा सा खाएंगे। चलो खाना बना ले चल के। मेरी यार एक आंख तो सूज रही है भारी, दूसरी सुझा दे मुझे जल्दी। चल ऊपर से सूझ रही है, पता ना कौन सा कीड़ा काट हुआ यार। अम्मी और ना खाए, वो 3 जगह खाए, वो 3 निशान बनाए, वो अभी तक खत्म ही नहीं रहे। फ्रेंड रेसिपी बनाने के लिए मैं कुछ सब्जियां चॉप कर ले रहा हूँ, और ये प्याज टमाटर मुझे बारीक तरीके से पीसने हैं। फ्रेंड हमने लहसुन छील दो रेसिपी के काज। इधर सौरभ आलू कद्दू कस कर रहे हैं, जाए कि हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया इसको मौसम है, खूब नेका देर में आवे वारो। फ्रेंड देखो फ्रेंड, आलू कद्दू कस हो गए और सौरभ अभी प्याज भी कद्दू कस कर रहे हैं। ये देखो इन्हें पीसनी ना पड़े, जहाँ से कद्दू कस कर रहे यार है। फ्रेंड आलू कद्दू कस करे वही में थोड़ी हल्दी और बेसन हम डाल के बाकी बाद ये फ्राई करने गोल गोल बनाए के। ये हो गई हल्दी और ये गया बेसन। अब फ्रेंड जाको मिक्स करे दे रहे हम। ये पेस्ट की छोटी छोटी टिक्कियां बना के हमें फ्राई करनी है, बाकी बाद सब्जी बनेगी। फ्रेंड मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। और नूतन इधर ये क्या बनाएगी बच्चा इसका? आज मैं नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अच्छा। आलू की और बेसन की। फ्रेंड क्या बोलते हैं, लाइट अभी आ रही है तो हम लोग हीटर पे ही खाना बना रहे, वरना लाइट बहुत कम रहती है तो चूल्हे पे बनाना पड़ता है। अभी लाइट है ऐसे में तो लाइट पे बना लो, बारिश का मौसम चल रहा है, चूल्हे पे तो बनाती रहते हैं। अरे खोल तो ले बाबू। भाई रे भाई, जब बुद्धि बट रही जब कहाँ ही तू, बस बहुत है, दो दो चार चार करके सीख लियो आधा मन डाले। ये देखिए फ्रेंड, नूतन इस आलू को अब सेक रही है थोड़ा थोड़ा करके, इसकी टिक्की बना बना के। रेसिपी के मामले में नूतन का दिमाग ज्यादा चलता है, ये कुछ ना कुछ मतलब नया सोचती रहती है। फ्रेंड ये देखिए आलू और बेसन की टिक्की हमने बना ली है, अब बना रहे जाके तैयार मसालों। ये मिर्ची ना सीली हुए हैं, इससे अच्छा तो भूज लेती तू, आराम से पिस जाती। कोई बात नहीं, ये वाली भी ना अच्छी लगती है कभी कभी सब्जी में, मोटी मोटी। चलो हो गया काम, सब कुछ तैयार है, ग्रेवी वगैरह। अभी मैं इसको बढ़िया से बना देती हूँ, टिक्किया मैंने बना के रखी ली थी। अरे ओ ये तो कह देती कि रोटी मेरा सौरभ बना देगा। ओए होए हजरी है, देख देख ये क्या क्या है, ये है लहसुन का पेस्ट। अब मुझे प्याज टमाटर का पेस्ट बनाने का एक नया तरीका मालूम पड़ गया, कद्दूकस करो छुट्टी, अब घंटों मूड मारने की जरूरत नहीं है सिल पे। फ्रेंड बस इसीलिए हीटर पर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये देखिए
खाना बना रही थी, अधवर में लाइट चली गई। तो मेरा कनेस्टर का जो चूल्हा था, पहले मैं जो खाना बनाती थी वो एकदम से गल गया, खराब हो गया। तो सोचा ईटों का बाद में बना लेंगे, आज ऐसी बना लेते हैं। क्या करूं मैं, दो मिनट आ जाएगी। मैंने छोक दी थी, एक गिलास पानी डाल देती हूँ उसमें, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट रहती है हीटर की, पकता रहेगा धीरे धीरे। ढक देती हूँ, जब लाइट आएगी बना लेंगे। ये टिक्किया भी रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, लाइट फिर से आ गई है और फिर से हमारा कुकिंग स्टार्ट हो गया है। एक काम करो, तुमने आटा लगा लो, मैं इसको पूरा कर देती हूँ, ठीक है? आटा देख रहा हूँ मैं, दुकान से लाना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, ग्रेवी बढ़िया से बन रही है, पकने के लिए छोड़ दिया मैंने। फ्रेंड ग्रेवी बढ़िया से पक गया है, अभी इसमें मैं टिक्किया डाल देती हूँ। ये देखिए, मेरे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि हमारा नाम ले देना, तो पहला नाम है श्रियांश सेन और दूसरा नाम है निखिल कुमार, ठीक है? हेलो, आप बारिश आने वाली है, उसके बाद थोड़ा सा घूमने चलते हैं पहाड़ों की तरफ। भूख ना लग रही, भूख मर गई सब्जी। क्यों? बना खाना मैंने बनाया, तुम्हारी भूख कैसे मर गई? क्या बज रहे हैं? 5:30। 5:30 खाना बना, क्या बजे तक? 3 बजे। घर पे पड़े पड़े भी मन नहीं लगता, चेरी नहीं है तो और भी नहीं लगता। तो जब भी खाना आना बना के हम लोग घूमने चले जाते हैं उधर जिधर आम है, और वहाँ से थोड़े आम भी खाए आते हैं। एक छीन के ला, फादा रही चप्पल वैसे ना मुँह पे, कितनी चाल आ गया मैया। चप्पल रोटी खवा दी फिर चप्पल लेकर भाग रही है। शिल्पा की लोंडी है, इतनी चाल आ गया बहुत ज्यादा। जा रोटी ना दे रहा तो चप्पल पे चप्पल लेकर भाग जाती है। तीनों लोगों को दुआ दुआ रोटी खवा दे फिर छुड़ाई तो अब सौरभ की चप्पल लेगी तो बिल्कुल ना शर्म रही, चप्पल से कहा मिल लो तो है। अब खानो खा ले फ्रेंड, बना तो लो, लेकिन खायो ना अभी तक, भूख लग रही है बहुत तेज यार। फ्रेंड नूतन ने आज नई सब्जी बनाई है, टेस्ट करते हैं कैसी है तेरी नई सब्जी यार। ऐसे ड्रामा कर रही है, चम्मच वम्मच तोड़ रही है, नई नई डिशन को चो बना देते, ऐसे तो बर्तन सब रह जाएंगे अपने। हैं? ये देखो फ्रेंड, ग्रेवी कम लग रही है जबकि खूब बनाई है थी ना। हाँ। तूने यार नई डिश बनाई है, तू ही चेक करके बता क्या कम है क्या ज्यादा। बहुत अच्छी लग रही है देखी हुई, लेकिन खाए के बता रहे कैसी है। फ्रेंड बहुत टेस्टी बनी है सब्जी, पता ना खट्टापन यहाँ में कहाँ से आए हो। टमाटर, हाँ टमाटर डाल रहे थे ना वहाँ पे। भैया मेरा बच्चा, मैंने अभी 2-3 रोटी खिला दी फिर भी दबक के देख रहा है, कितना मासूम बन के दबक के देख रहा हो, जैसे मैंने आपको रोटी ना दी हूँ। पहली रोटी खवा दे तीनन को, गुड्डा और खाएगा रोटी, ये ले खा ले और डाल दूंगी ये खा पहले। फ्रेंड ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इनको रोटी नहीं देते, जब हम रोटी बनाते हैं ना, जब ही आ जाते हैं तो बनाते बनाते इनको रोटी खिला देते, 5-6 दो दो खवा देते हम सबको, 2-3 रोटी डाल देते हैं। इसको देख देख के मुझे अपनी चेरी की याद मतलब कम होती है, ऐसा लगता है यही चेरी है मेरा। खाना खा लेते फ्रेंड, उसके बाद चलते हैं आम लेने। हमने तो खाना खा लो, 2 रोटी खाए के हम निच्चू है रे। मैं जा रही हूँ बाग में, तो वहाँ से कुछ पके पके आम खा के आऊंगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये जो अचार डाला था ना, तो ये अचार ना पानी छोड़ गया, ये देखिए नीचे, तो इसका जो पानी है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारी सास ने कहा था कि 2-3 दिन बाद अचार पानी छोड़ेगा, तो पानी बाहर निकाल देना। कच्चा तेल डालूंगी बाद में, तो उसका पानी निकाल देती हूँ वहां, ताकि ये सड़े ना। ये हटना थोड़ा साइड में। अच्छा मेरी मम्मी ठीक कह रही थी कि 2-3 दिन बाद अचार पानी छोड़ेगा, है ना? तुम्हारी मम्मी कह रही, दुनिया को पता है कि अचार पानी छोड़ो तो है, वही छोड़ो है। तुम्हारी मम्मी है ना, तो को पता ही पहले डंडा रहा होगा वो। हाँ, वो जो अचार सड़ो है ना, पानी छूटने की वजह से सड़ो, तो पता ना ही दिख रहा पानी, दिख रहा यही पानी के कारण शायद अचार सड़ो तो पहले। अचार की खाम मत गिरा दी, ढक्कन वक्कन लगा ले।
तेरे बस की बात ना है, इसका पानी निकालना, निकाल। ये तो इसमें मसाला भी जा रहा होगा फिर? मसाला उतना नहीं है जितना पानी है। इसके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं डाला, जितना भी है पानी है छूटा हुआ। पानी निकलने के बाद हम इसमें तेल डाल देंगे, उससे अचार बढ़िया हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत तो मसाला जाएगा ही ना। आराम से करियो, खाप है इसके मुंह पे, तुम ही निकाल दो यहाँ से। इसके अंदर से पानी निकाल दिया है, मसाला पूरा वैसा ही है जैसा था। इसको लगा दो और चलो जल्दी चल, जल्दी चल। फ्रेंड बहुत काले काले बादल आ रहे हैं यहाँ पे, वो ले लेंगे और बारिश को छाता आता ले लेंगे। कितनी कारी कारी घटा आ रही है दोनों तरफ से। चलो जल्दी चल, गेट लगा दो। अभी जा रहे हैं हम बाग में, ताजी ताजी आम खाएंगे, तोड़ के नहीं लाएंगे, केवल पके पके खाए के आएंगे। देसी वारे जो आम खावे में देसी लगते हो ना, वो कोई सोना लगत वो रिश्ते बचवे के काज हम सामान ले लो है दोनों के लिए। देखो जब हम गए थे ना तो बिल्कुल कछु ना हो, यहाँ पे जब लौट के आए तो इतनी सब्जी लगा दी, बेल सब्जी अंकल ने, यहाँ पे खूब बड़े बड़े लोग तुरैया लगी है। हमने जो बेल भाई अती सब्जी वब्जी की खूब बड़ी बड़ी आई होंगी फ्रेंड। आम की बगिया में आए गए, आम कितने आम यहाँ पे सड़ रहे बताओ, लेकिन जाको बागे तो उन्हें के तोड़ के आम बेच ले या काऊ खा लें। फ्रेंड ये देखो जो हम निरे ऐसे सड़े सड़े आम परे, सही में हमारा तो इतना मन दुखी होता है ये आम ने देख देख के, पता ना किन के है। फ्रेंड आम के बाग में खड़े हैं लेकिन सौरभ वहां तो उठा रहे रोड पे थे, तोड़ लियो एक आध। एक तो रास्ता बंद कर रखी है, आ तो जात ना लेकिन जाओ ना जात। छुपाए थे आम जगह जगह जहाँ पे रखे हैं। हे भगवान पके पके हैं छत्ता, और तू आ जाने देख मत, ये फ्रेंड उठाए जमीन पे थे ये देख लियो। फ्रेंड जी हमने छुपाए थे, बाकी बात और देख लो। हमारा अगर बाघ वार आ जाए ना तो गाय दे दे के भगावे, इतने सड़ रहे हैं वो ना देख रहे, समार के कुंदिया देखे निया। जब गड्ढा में मार आम परो फ्रेंड, चुबो चुबाओ। एक आध आम खा ले मैंने, जाको चैपा बड़ा खतरनाक होते है, मेरे यहाँ पे निशान बना दो कम से कम एक साल में खत्म भाऊ। ये देखो फ्रेंड बाद में खाएंगे, सौरभ घुस गए गड्ढा में, जा उनको देखे जाए के निया। ले ले। ला ओए ओए घुस गए, जल्दी भाजी आओ, मच्छर काट रहे इतने बारिश हो आवे लग गई। फ्रेंड इतने डाल के जब चुवाए आम निकाल ले सौरभ, सौरभ की तो जरूरत ही ना है ना। गाय की तो रंगे पागल, बहुत आम है आगे पूरा रोस लगिया मेरा आम पर है। हमने खूब सारे बिल्ले खावे ला कैसे पका पके मोटे मोटे आम है, और अब जा रहे हम घर है क्योंकि बारिश शुरू हो गई, कभी भी तेज आ जाएगी बारिश में तो छाता में तो बैसू बारिश में रुकती, ऐसे भागते कभी ऐसे भागते। चलो घर है चलना, चलो फ्रेंड इतने आम हम बिल लाए और एकदम फ्रेश और पको भाव आम है, तोड़ने की जरूरत ना, खूब आम पर है। अंदर रखा हो, पूजा का टाइम हो रहा है, पूजा वूजा भी करनी है अभी। ताई हमने सुखाए हुए दारी अति फ्रेंड सूख गई, अब एक दिन में तो सूख नहीं पाएगी, कम से कम महीने में जाकू सुखाना पत्तो। अब शाम हो गई, धूप तो निकल नहीं रही है, अब इसको कमरे में रख देती हूँ, अंदर बारिश का मौसम हो रहा है। खटाई खट्टी कर ली फ्रेंड, अब रखवे जा रहा है, हमारे काम ही आएगी ये, क्योंकि हम अपनो कछु काम वगैरह खोलेंगे आगे को खोलन जा रहा है तो वाके काम आएगी, खटाई की जरूरत पड़ती है। कछु काम खोलेंगे हम अपनो, फिलहाल तो ना बता पा रहे क्योंकि देखो कछु काम खोल हुए थे पहले हम बता देते हैं तो काम पूरा ना हो पता ना इंचो, तो सोच तो रहा कछु काम करवे की
थोड़े पैसा वगैरह रह जाए तो अपना कुछ ठेला वगैरह खोल लेंगे खाने पीने को। जब हमने अपना बॉम्बो हाउस बना हुआ तो फ्रेंड तो हमने केवल बॉम्बो हाउस रहने के ताना बनाओ, हम कछु काम भी करते हो, हमें कछु ठेला खोलने की हमने सोची थी, लेकिन बात है पहले तो उल्टे है वो सब। अलीगढ़ अपना छोड़ा बहुत बनाए लेंगे और वहाँ के बाद हम अपना छोटा सा कोई काम डाल लेंगे, बात है हमारा गुजारा हो तो रहे, तो सब रुपया हमारा चला हुआ भाई में जो हमने बनाओ और वहाँ पे रह भी ना मिलो हमें, वहाँ तो फिर दोबारा यही आना पड़ेगा। तो कछु पैसा इकट्ठे करके हम अपना कोई काम खोलेंगे ठेला वगैरह। और अब तो गए ऊपर छत पे मौत हो गए क्योंकि पूजा को टाइम है, वो दीपक जलाएंगे। जब व्लॉग को हम यही खत्म कर दे रहे हैं, आई होप आज को व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक टाटा बाय बाय।